रूस का कब्जे वाला खैरसैन को लेकर अब लगातार चौंकाने वाली खबरें और दावे सामने आ रहे हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि इस इलाके में रूसी सेना की वापसी की खबर किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। खुद यूक्रेन को ये लग रहा है कि जिस तरह से खैरसैन से रूसी सेना की वापसी का ऐलान किया गया वो ये बता रहा है कि ताल में जरूर कुछ काला है। और इस बीच खैरसैन से ही बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि यहाँ के टीवी केंद्र पर बड़ा धमाका हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि खैरसैन में टीवी केंद्र पर बड़ा धमाका यहां पर किया गया। या रूस की सेना खैरसैन ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उड़ रही है। क्या खैरसैन पुतिन के गले की फांस बन गया? क्या खैरसैन में रूस ने चली नई चाल? रूस के कब्जे वाला खैरसैन अब एक ऐसा इलाका बन चुका है जहां से कॉन्स्पिरेसी की खबरें रोजाना अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। कभी खैरसैन पर यूक्रेन की सेना की मजबूत पकड़ की खबरें आ रही हैं, तो कभी रूस की मीडिया की तरफ से ये दावा किया जाता है कि खैरसैन को खाली करने का आदेश जारी किया जा चुका है। लेकिन दोनों ही बातों के बीच खैरसैन में कुछ बेहद भयानक होने जा रहा है और इसकी साजिश की तस्वीरें रात के अंधेरे में सामने आ रही है। इस वीडियो को देखिए, एक साथ कई धमाकों की आवाज के साथ बारूदी रोशनी आकाश में दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना की तरफ से रूस के कब्जे वाले खैरसैन इलाके पर जबरदस्त हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में खैरसैन के टीवी केंद्र को टारगेट किया गया। तो क्या वाकई रूसी सेना यूक्रेन के हमलों से इतनी हताश हो चुकी है कि अब उसे खैरसैन को छोड़ना पड़ रहा है? लेकिन खबरों की माने तो यूक्रेन में इसे किसी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अभी तक खैरसैन से रूसी सेना की वापसी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये दावा जरूर है, यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में सेना की पकड़ मजबूत होती जा रही है। Усе, що відбувається зараз, досягнуто місяцями жорстокої боротьби, досягнуто і хоробрістю, і болем, і втратами. Це не ворог йде, це українці великою ціною женуть окупантів, як і на сході нашої країни, на Харківщині, як ще раніше на півночі Київщина, Сумщина, Чернігівщина. Дарасал, руські мідія кі тараф сей, із батка дава кія гая та, кі руські сінаку खैरसैन खाली करने का आदेश जारी किया जा चुका है। लेकिन यूक्रेन रूस की इस खबर को साजिश के एंगल से देख रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ज्यादातर रूस के नागरिक खैरसैन के दाहिने किनारे पर बसे हुए हैं और इन लोगों ने अभी तक इस इलाके को खाली नहीं किया है। दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में रूस के 20,000 लोग रहते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का ये भी दावा है कि रूस पहले यहां से नागरिकों को निकालेगा, उसके बाद रूस की मिलिट्री इस इलाके को खाली करेगी। यूक्रेन को लग रहा है कि खैरसैन को छोड़ने की खबरें फैलाकर रूस की सेना यूक्रेन का ध्यान भटकाना चाहती है और यूक्रेन के सैनिकों को खैरसैन में घेरकर मारना चाहती है। यही वजह है कि खैरसैन से आ रही खबरों को लेकर यूक्रेन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और सबसे पहले खैरसैन के छोटे इलाकों को अपने कब्जे में ले रहा है। खैरसैन से आए इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो यूक्रेन की सेना की ही तरफ से जारी किया गया है। दावा किया जा रहा है खैरसैन के गांव को आजाद कराने के बाद इस जश्न को मनाया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन की सेना के जवान खुशी से झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर नेटो अध्यक्ष का भी खैरसैन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। नेटो के अध्यक्ष का दावा है
कि अगर रूस के खेरसोन को छोड़ने की खबर सही है तो ये यूक्रेन की एक और जीत की ओर इशारा करता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर खेरसोन के वॉर जोन से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं वो कितनी पुख्ता हैं, क्योंकि इस बात पर भी यकीन करना मुश्किल है कि रूस इस इलाके को ऐसे ही छोड़ देगा, क्योंकि ये उन्हीं चार इलाकों में से एक है जिस पर जनमत संग्रह के बाद रूस ने कब्जे का दावा किया है। और आखिर क्यों खेरसोन को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं? क्यों खेरसोन अब जंग का एपिक सेंटर बन चुका है? ये कई तरह के सवाल है। तो इसे हम समझाते हैं। इसे समझने के लिए खेरसोन की भौगोलिक स्थिति को आपको समझाते हैं। दरअसल खेरसोन का बॉर्डर क्राइमिया से सटा हुआ है। ये वो क्राइमिया जिस पर 2014 से ही रूस का कब्जा है। खेरसोन से ही काला सागर तक जमीन का रास्ता जाता है, और खेरसोन से अगर रूस की सेना जाती है तो यूक्रेन की सेना दोबारा क्राइमिया तक आ जाएगा। क्राइमिया रणनीतिक तौर पर रूस के लिए एक बेहद अहम जगह मानी जाती है। इसके साथ ही यूक्रेन आज तक क्राइमिया के अलग होने के सदमे से उभर नहीं सका है, जबकि काला सागर के मुहाने पर मौजूद खेरसोन एक बड़ा औद्योगिक केंद्र